का बैराकुडा चला रहे हैं, ये रेड स्पॉट से दो डॉट साइड ऊपर लग रहा है। अब जो है जो पोजीशन है उससे मैं क्लिक करूंगा, मुझे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऊपर उठाना है। 3, 5, 6, 7, 8 अब देखें, देखिए लाल पे आ गया। दो और करेंगे, ये मेरी मैगजीन खत्म हो गई। खैर अब मेरे पास 12 शॉट और हैं, अब इससे मैं ग्रुपिंग बनाता हूँ। नीचे वाले टारगेट पे लाल पे लाते हैं, देखिए लगभग लगा। मैं चेंज नहीं करूंगा कुछ भी, होपफुली आप देख पा रहे होंगे HNN बैराकुडा मैच का परफॉर्मेंस स्कोप 0 करके 30 मीटर जाना के साथ। हवा का असर आ रहा है, बाकी 6 कोने वाले टारगेट पे, एक्चुअली ऊपर वाले टारगेट पे मारते हैं, ये वाले टारगेट पे। हर शॉट के बीच में टाइम दे रहे हैं रेगुलेटर को चार्ज होने के लिए। रेगुलेटर चार्ज हो रहा है तो एक्यूरेट लग रहा है, जल्दी चला रहे हैं, थोड़ा भाग रहे हैं, तो 3-4 सेकंड का टाइम लिया। रेगुलेटर वाले गन्स का यही प्रॉब्लम है। उनको टाइम देना पड़ता है। ये था, मैंने दो ग्रुपिंग बनाए 12-12 शॉट का। अब मैं कर रहा हूँ 10.03 ग्रेन्स, यानी कि करीब 0.6 ग्रेन्स हल्का पैलेट है ये सुपर मैग्नम। इसका जीरोइंग देख लेते हैं, ये जो नंबर 8 है उसमें मार रहा हूँ, देखिए कितना राइट भागा है ना, ये एग्जैक्टली 1 डॉट साइड राइट भागा। मैं करता क्या हूँ कि मैं छेड़छाड़ करता नहीं, बैराकुडा पे 0 किया हुआ है, 1 डॉट साइड राइट, लेकिन ये रेड वाले सेंटर है यहाँ पे मार के देखता हूँ, देखिए बिल्कुल सही लगा। अब मुझे अब ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो मैग्नम है उसका 0 एक साइड लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट वाले पे लाल पे लाया एक साइड और वो देखिए सही जगह पे सही निशाना लगा। फिर से बनाते हैं, मैंने सुबह का फुटेज रिव्यू नहीं किया है, रिव्यू करके देखते हैं। ये देखिए फ्लायर था, आज का सुबह का फुटेज रिव्यू करके देखेंगे कि ये 50 मीटर पे इन्होंने कैसे परफॉर्म किया इन पैलेट से। थोड़ा ड्रॉप ले रही नीचे, ये मैं बहुत जल्दी चला रहा हूँ, मैं भूल गया था टाइम देना, अब मैं टाइम दे रहा हूँ, देखिएगा आप सही निशाने के लिए। ये देखिए रेगुलेटेड गन है, टाइम नहीं दिए तो गलत लगेगा, गन की गलती नहीं है। 3-4 सेकंड टाइम दिए, हवा भरा और ये सही निशाने पे। तो ये मैंने 12 प्लेट्स चलाए सुपर मैग्नम के।